हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे हिंदी और आज की वीडियो में तीनों सीखा जाएगा, ऑल इन वन है। आज की वीडियो में हिंदी, इंग्लिश एंड मैथ, ये तीनों सब्जेक्ट आपको इसमें सीखने को मिलेगा। तो आप लोग तैयार है ना? चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हिंदी, और हिंदी में आज हम लोग एक अक्षर लिखना सीखेंगे और उसको खूब सुंदर लिखेंगे और लिख लिख करके उसको अभ्यास कर लेंगे और उसे याद भी करना है। तो आज हम लोग सिर्फ एक अक्षर लिखना सीखेंगे, वो कौन सा अक्षर होगा बताइए। हिंदी में आप जब हिंदी वर्णमाला पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं, कौन सा अक्षर आता है? अ आता है। तो अ लिखेंगे और कैसे लिखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। ये आपका हिंदी का कॉपी है ना, इसमें अ लिखा जाएगा। अ सिर्फ एक अक्षर आज लिखेंगे सीखना और अ लिखेंगे। अब अ कैसे लिखते हैं, ये आपका ऐसे कर्व लाइन बनाएंगे, ये आपका हो गया कर्व लाइन, इसको बोलते हैं कर्व लाइन, यानी इस तरह का कर्व लाइन बनाएंगे। ये मॉडल को नहीं कर्व बोलते हैं, जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन है ना, इसको कर्व लाइन बोलते हैं। इसको यहाँ से सीधा खींचते हैं तो यह स्लिपिंग लाइन है, और इसको ऊपर से कैसे डंडा जैसा बना देते हैं, सीधा मिला देते हैं तो स्टैंडिंग लाइन है, और ऊपर से ये ऐसे घुमा देंगे पेंसिल से तो ये टॉप लाइन है, ठीक है ना। तो ये हो गया कर्व लाइन, ये हो गया स्लिपिंग लाइन, ये हो गया स्टैंडिंग लाइन, और ये हो गया टॉप लाइन। तो ये कौन सा अक्षर है बोलिए? अ। इसके आगे फिर यहाँ बना ले रहे हैं एक लाइन आप छोड़ देंगे, फिर यहाँ लिख रहे हैं, ये हो गया आपका कर्व लाइन, स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और टॉप लाइन। ये कौन सा अक्षर है? अ है। फिर ये लाइन छोड़ के नीचे लिखेंगे, ये हो गया आपका कर्व लाइन, स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, टॉप लाइन, ओके ये अ है। फिर एक लाइन छोड़ के नीचे लिखेंगे कर्व लाइन, ये क्या है? स्लिपिंग लाइन, ये क्या है? स्टैंडिंग लाइन, और ये क्या है? टॉप लाइन। तो क्या बन गया? अ बन गया। अब इसी थोड़ा दूर पे क्या लिखेंगे, फिर ये पूरा पेज आपको यही लिख लिख के भरना है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या लिखा है? अ। तो यहां क्या लिखेंगे? अ। फिर लिखेंगे यहां कर्व लाइन, स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, टॉप लाइन, है ना। स्लिपिंग मतलब सोना, सोना जैसे ऐसे सोया हुआ है ना, कैसे सोते हैं आप, ऐसे ही ना सोते हैं? अरे आसमान में नहीं ना सोते हैं, नीचे ना सोते हैं, तो ऐसे सोते हैं, है ना, ऐसे ऐसे सोते हैं, ऐसे, है ना। जैसे अगर आप हैं इस तरह से तो ऐसे नहीं सोएंगे, ऐसे सोते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? स्लीपिंग लाइन। और ऐसे रहेगा तो स्टैंड हुआ, खड़ा हुआ है ना, तो स्टैंडिंग लाइन। और जो सबसे ऊपर होता है उसको बोलते हैं टॉप लाइन, और जो टेढ़ा मेढ़ा होता है उसको बोलते हैं कर्व लाइन, ठीक है ना। तो बताइए टेढ़ा मेढ़ा है ना ये वाला, तो ये कर्व लाइन, ये है स्लीपिंग लाइन, ये है स्टैंडिंग लाइन, और ये है टॉप लाइन, ठीक है। तो आप सब इसमें पूरा सुंदर सुंदर लिखकर भर दीजिए, पूरा भरिएगा। देखिए यहाँ से ये ऐसे, यहाँ से ऐसे भर दिए ना, ये पूरा लाइन में भरना चाहिए। देखिए यहाँ से यहाँ पूरा बड़ा बड़ा लिखना है, बड़ा बड़ा लिखना है, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना है, पूरा भर के लिखना है, ठीक है ना। तो ये क्या है? अ है। ये क्या है? अ है,
ठीक है। तो इसमें कौन कौन से लाइन है, कर्व लाइन, स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, टॉप लाइन, तो ये सब क्या करेंगे आप बना लेंगे, पूरा एक पन्ना भर लेना है, पूरा एक पन्ना भरिएगा, तीन बार लिखिएगा और सुंदर लिखिएगा और इसको याद भी करिएगा कि कौन सा अक्षर है, तो है ना, ठीक है। क्या क्या करेंगे, पूरा पन्ना भरेंगे कितना बार, तीन बार, ठीक है ना, एक दिन में तीन बार भरना है, ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे आगे इंग्लिश, अंग्रेजी, अब अंग्रेजी मतलब इंग्लिश, तो चलिए शुरू करते हैं अब इंग्लिश, अब शुरू करते हैं इंग्लिश। इंग्लिश में आज हम सीखेंगे कैपिटल लेटर और कैपिटल लेटर्स टोटल 26 लेटर्स होते हैं, तो उन्हीं में से एक लेटर सीखेंगे, ओनली वन लेटर, और वो भी कौन सा लेटर, ए। ए एक कैपिटल लेटर कैसे बनाते हैं बताइए, ऐसे बनाएंगे, कैसे ऐसे, कैसे ऐसे ऐसे, ये क्या लिखा है, ए लिखा है, और पूरा कितना लाइन में बनाना है, थ्री लाइन में बनाना है, वन टू थ्री, और पूरा भर के बनाना है, यहाँ से यहाँ तक यानी पूरा लाइन में बनाना है, ना छोटा ना बड़ा, पूरा भर के बनाना है। अब यहाँ क्या लिखे हैं, ए, तो सब क्या लिखना है, ए, दूर दूर सुंदर सुंदर साफ साफ लिखना है। अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे ए, ये भी है ना, फिर ये भी लिखेंगे ए, है ना, फिर यहाँ लिखेंगे ए, है ना, कैसे लिख रहे हैं, ऐसे ले जा रहे हैं, यहाँ मिलाकर ऐसे घुमा दे रहे हैं, तो क्या बन जा रहा है, ए बन जा रहा है। यहाँ क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, है ना, और यहाँ क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, ठीक ना, और यहाँ क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, पूरा क्या करेंगे, ए लिखेंगे, अब पूरा ए से लिख लिख करके सुंदर सुंदर भर देंगे, तो आप क्या करिएगा, पूरा सुंदर लिख लीजिएगा, और तीन बार थ्री राउंड आपको लिखना है कॉपी में, ठीक है ना, सुंदर लिखना है और इसको लर्न भी करना है, याद भी करना है, ठीक है ना। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब इसको आप कर लेंगे ना, अब इसके बाद मैथ पढ़ते हैं, ऑल इन वन, इसी वीडियो में तीनों पढ़ना है और दो पढ़ लिए हैं, हिंदी एंड इंग्लिश, इसके बाद क्या आएगा बोलिए, मैथ, तो चलिए मैथ शुरू करते हैं, तैयार है ना, यस। अब हम लोग गणित देखेंगे, इससे पहले हिंदी सीख लिए हैं, इंग्लिश सीख लिए हैं, अब आप मैथ सीखेंगे, तो चलिए मैथ में केवल एक अक्षर बनाना है, एक नंबर बनाना है, एक डिजिट बनाना है, और कौन सा, जीरो, तो जीरो आप बनाना सीखेंगे, और जीरो कैसे बनाते हैं देखिए, जीरो ऐसे बनाते हैं, यहाँ से ऐसे लाएंगे और ऐसे बनाएंगे, ठीक है ना, और इसमें भी क्या बनाएंगे आप, जीरो, खूब सुंदर लिखना है, खूब बढ़िया, ऐसे इस तरह से आप जीरो लिखेंगे, ये क्या है, जीरो है, अब खूब बड़ा बड़ा मतलब सुंदर सुंदर आपको लिखना, और बड़ा लिखना, छोटा नहीं लिखना है, और इस तरह से पूरा बड़ा बड़ा आपको लिखना है, ये क्या लिख रहा हूँ मैं, जीरो, ठीक है ना, तो ये सब जीरो बना लेंगे, ऐसे ही पूरा आपको जीरो से भरना है, और इसको यहाँ से ऐसे ऐसे करके इसको भरते चले जाएंगे, ठीक है, ऐसे भर लीजिएगा, तो पूरा का पूरा आपको ऐसे ही भरना है, तो पूरा भर लीजिएगा, इसको तीन बार भरना है, तीन पेज, थ्री पेजेज आपको कंप्लीट कंप्लीट करके लिखना है, और खूब सुंदर लिखने के बाद एक बार शेयर करना है, ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।